वन विभाग की टीम ने महानंदा क्षेत्र में स्थित एक ताल में दबिश देकर लाखों रुपए कीमत की सागौन की लकड़ी बरामद की है। बताया जा रहा है कि सागौन की लकड़ी को अवैध रूप से ताल में लाकर चुराई की जा रही थी। वन विभाग की टीम ने गाड़ी में लोड सागौन की लकड़ी जब्त करते हुए मामले में विधिवत कार्यवाही शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम ने महानंदा के पास एक ताल में दबिश देकर लाखों रुपए कीमत की सागौन की लकड़ी बरामद की। यह कार्यवाही रेंजर अपूर्व प्रखर शर्मा और उनकी टीम के द्वारा की गई। दरअसल देर रात वन विभाग की गश्ती टीम महानंदा क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी एक ताल से आरा मशीन चलने की आवाज आई। वन विभाग के डिप्टी रेंजर दशरण सिंह ठाकुर और उनकी टीम को संदेह हुआ और वन विभाग की टीम ने रात में दबिश दी, जहां आरा मशीन से सागौन की लकड़ी की चिराई की जा रही थी। मौके पर पुलिस को एक वाहन भी मिला जिसमें सागौन की लकड़ी लोड थी। रेंजर अपूर्व प्रखर शर्मा और उनकी टीम ने अवैध सागौन से लोड गाड़ी को जब्त किया है और आरा मशीन ताल मालिक सहित वाहन मालिक के विरुद्ध वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संरक्षक महोदय और श्रीमान वन मंडल अधिकारी महोदय के निर्देशों का पालन करने में हम लोग रोज रात को गश्त कर रहे हैं। प्रति रात्रि रूट बनाया हुआ है। उसी दौरान हमारे डिप्टी साहब और वनरक्षक जब गश्त कर रहे थे महानंदा वाले एरिया में, तब उनको कुछ आरा मशीन की चलने की आवाज़ आई। उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। हम लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि एक आरा मशीन है, उसके अंदर अवैध रूप से एक गाड़ी खड़ी है जिसमें सागौन लैस है और उसकी चराई की जा रही थी। तो हमने आरा मशीन मालिक के खिलाफ और वाहन दोनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। भारतीय वन अधिनियम के तहत गाड़ी को राजसात की कार्रवाई चालू की जाएगी और मध्य प्रदेश काष्ठ चरान अधिनियम 1984 के तहत आरा मशीन पर कार्रवाई की जाएगी। किसके यहाँ ये लकड़ी चराई? ये हरी भाई पटेल हैं, उनके यहाँ उनकी टाल में ये चराई चल रही थी लकड़ी की। लगभग कितनी लकड़ी? देखिए अभी नाप जोक चल रहा है, लेकिन एक अनुमानित करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में इसकी कीमत होगी। वन विभाग के अधिकारियों को शंका है कि महानंदा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित टालों में अवैध रूप से सागौन लाकर खपाई की जा रही है। वन विभाग इस कार्यवाही के बाद टालों पर निगरानी रखा हुआ है, साथ ही वन विभाग ने रात्रि गश्त भी बढ़ा दी है।